नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा में भी गूंजा नागरिक संशोधन बिल के विरोध का सवर। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के द्वार के सामने छात्रों ने किया प्रदर्शन। SFI के बैनर तले स्टूडेंट्स ने किया रोष प्रदर्शन। जामिया मिलिया विवि के छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई की जांच की उठाई मांग। नागरिकता संशोधन बिल को रद्द करने की भी उठाई मांग। प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की गई तैनात और 19 दिसंबर को देशव्यापी होगा प्रदर्शन। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध की गूंज आज सिरसा में भी सुनाई दी। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के द्वार के सामने छात्रों ने नागरिकता संशोधन बिल व दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ की गई कार्रवाई पर रोष जताया और केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। आज का यह विरोध प्रदर्शन SFI के बैनर तले किया गया। विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों ने जामिया मिलिया विवि में छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जांच की मांग करते हुए कहा कि इसमें बाहरी शरारती तत्व का हाथ था और सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आगजनी हो रही है, असम के अंदर जो विरोध प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अमित शाह जो हिटलर शाही उनकी नीति है उस पर चल रहे हैं, उन्होंने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है और सरकार इतनी उसके अंदर हेकड़ी है इस बात को लेकर के कि वो छात्रों की बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और विश्वविद्यालय के अंदर अथॉरिटी की बिना अनुमति के जिस प्रकार से वहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स को पीटा गया, सिक्योरिटी गार्ड्स को पीटा गया और भी लोगों को पीटा गया, तो ये माना जा रहा है कि जिस सरकार के इशारे पर हुआ और वो सिविल वर्दी वाले जो वहाँ पे अटैक कर रहे थे वो सरासर गुंडे थे, पुलिस ने उनको बुलाया गया था। अरे ये मांग है कि ये जो कानून सरकार ने ये बनाया है इसको वापस लिया जाना चाहिए, सबसे पहली मांग, बड़ी मांग ये है। दूसरा, जो जामिया के अंदर ये जो हुआ है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जो भी पुलिस वाले दोषी हैं और जो वो सिविल वर्दी वाले दोषी हैं उनकी निशानदेही करके उनको सलाखों के पीछे दिया। अगर सरकार आपकी मांग पूरा नहीं करती तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, 19 दिसंबर को एक राष्ट्रीय स्तर का जो है प्रोटेस्ट का सभी संगठनों ने काल दिया है और 19 दिसंबर अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत का दिन है और इसीलिए सांझी शहादत, सांझी विरासत और सांझे संघर्ष के नाम पर पूरे देश में जो है प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है। पूरे देश के अंदर जगह जगह पर ये प्रोटेस्ट होंगे। अगर सरकार ये नहीं करती है तो आने वाले समय में सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे छात्रों को, तमाम जो जन संगठन हैं, तमाम जो समुदायों के लोग हैं उनको लामबंद करेंगे और सरकार के खिलाफ संघर्ष कराएंगे। स्टूडेंट्स कहीं भी सेफ नहीं है, वो मतलब वहाँ पे आप देखिए ना, वो उसमें फुटेज वो बता रही है कि वो लड़की कह रही है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम था। डेमोक्रेसी कहाँ है? स्टूडेंट्स के एग्जाम मिस हो रहे हैं और मतलब पूरे का पूरा ये प्लानिंग के तहत ये केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है। हम इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को ये उनको बताना चाहते हैं कि सर ये ऐसा है, ये सिर्फ आपका ही नहीं है, हम सर ये सब इस सब पे रोक लगे सबसे पहले तो, और ये निष्पक्ष रूप से इसकी जांच हो। आप ये देखिए, उसमें सिर्फ पुलिसकर्मी नहीं थे, ये जो आगजनी की है उसमें गुंडागर्दी की गई है, उस सब मामले की जांच हो और इन सब पे रोकथाम लगे, वरना आवाम तैयार है, हम लोग सड़कों पे आने को तैयार है। विद्यार्थियों में रोष है और आम जनता में भी रोष है। तो कल विश्वविद्यालय जामिया विश्वविद्यालय के अंदर इसको लेकर प्रोटेस्ट था तो दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर कायरतापूर्ण बगैर यूनिवर्सिटी के परमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर वहाँ पर विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज किया है, लाइब्रेरी के अंदर बैठे विद्यार्थियों पर भी लाठी चार्ज किया है। वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और गोलियां चलाई गई। जो वहाँ पर गर्ल स्टूडेंट थी, जेंट्स पुलिस द्वारा उनके ऊपर भी हमला हुआ। तो हमारे आज ये मांग है कि ये जो
दिल्ली पुलिस का कायरतापूर्ण काम है, उसकी न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी है उसके अंदर उनको सजा मिले। जो पूरे विश्वविद्यालय के अंदर, आज पूरे देश के अंदर बात करें हम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मद्रास IIT, BHU, हरियाणा के अंदर भी कुरुक्षेत्रा और MD यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट है। आज हमने भी यहाँ पर CDLU के अंदर इन्हीं भंगों को लेकर प्रोटेस्ट किया है। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो विरासत है, वो सांझी विरासत है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए यहाँ पर अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद की सांझी विरासत है। ये लोग जो बिल ला के इस देश की एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर सदियों से जो लोग रह रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उनको अपनी नागरिकता स्थापित करने के लिए अपने आप को ये स्थापित करने की जरूरत है और अपने आप को ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि हम इस देश के नागरिक हैं। अगर आप देखोगे पूरे इसको, इंसिडेंट को, हम कल भी सोशल मीडिया पर देख रहे थे, जो वहाँ पर सिविल वर्दी के अंदर हैं वो लोग इस तरह का रूप आगजनी को रूप दे रहे हैं और वहाँ पर आउटसाइडर पकड़े गए हैं कि हमारा जो विरोध है, हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से है। जो आगजनी हुई है हम इसके अंदर कहीं भी भागीदारी अपनी नहीं लगा रहे।